इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग ना इस ब्लॉग को इतना सा भी मतलब एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा। इस ब्लॉग को आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा क्योंकि ये ब्लॉग ना आप तक का हमारे चैनल का सबसे ज्यादा इमोशनल और प्यारा ब्लॉग होने वाला है। तो बात है 18 अक्टूबर की, हमारी जो बड़ी वाली भाभी है ना, उनके एकदम से बहुत ही जोरों का लेबर पेन शुरू होने लगता है। बिकॉज हमारे घर में ना एक बहुत ही छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा मेहमान जो आने वाला था। फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जो कि लक्ष्मी हॉस्पिटल। एक्चुअली इसी हॉस्पिटल में मैं भी हुआ हूं, गुनगुन भी हुई है, तो अब जो हमारा होने वाला भतीजा या भतीजी जो भी होगा वो भी यहीं पे होगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक नर्स ने भाभी को पूरा अच्छे से चेक किया, उसके बाद भाभी मेन डॉक्टर के पास गई, उसके बाद मामी भी गई अंदर देखने के लिए कि डॉक्टर अब क्या बताएंगे, और मैं यहाँ पे बैठा बैठा ये सब देख रहा था। भाभी को एक बार डॉक्टर ने पूरा चेक कर लिया था, उसके बाद डॉक्टर ने हम लोगों से बोला कि आप लोग ना इनका एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, क्योंकि डिलीवरी से पहले उन्हें कंफर्म करना था कि बेबी जो है बिल्कुल सही हालत में है या नहीं है। तो फिर भाई हम भी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए निकले, लेकिन रात का बज रहा था 11, हरदोई में जहां जहां पर भी अल्ट्रासाउंड होता था ना सारे के सारे डायग्नोस्टिक वाले बंद हो गए थे। बड़ी मुश्किल से एक मिला जो कि खुला हुआ था, पर वहां पे भी दिक्कत ये थी कि रिपोर्ट ना तुरंत नहीं मिल सकती थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि हम ना पूरा लिख के दे देंगे आपको कि क्या क्या चीज है। तो हमने वहां मैम से कंफर्म किया उनके पास जाके कि मैम क्या डॉक्टर लिख के दे देंगे तो वो आप रिपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, सुबह रिपोर्ट असली वाली मिल जाती। तो मैम ने बोला ठीक है आप लिखवा के ले आइए, तो फिर वो आगे जो है डिलीवरी करेंगी। तो भाई फिर वहां पे भाभी का अल्ट्रासाउंड करवाया, जो डॉक्टर ने पूरी डिटेल्स लिख के दी थी वो मैम को दिखाई। उसके बाद मैम ने बोला कि अभी आप घर चले जाइए, अभी इतना ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, अगर रात में ये पेन ज्यादा बढ़े तो आप रात में लेके आ जाइएगा, वरना सुबह हो तो सुबह लेके आ जाइएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग आराम से 11:30 बजे तक घर आ गए थे, और उसके बाद खाना पीना खा के थोड़ी देर बाद मैं भी लेट गया था घर में, बाकी सब भी लेट गए थे, लेकिन भाभी के जो था दर्द हो रहा था और रात में ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो यार फिलहाल बजने जा रहा है रात का 3, मैं घर आके वही 12:30 बजे तरफ सोया हूँगा, और भाभी भी जो थी आराम से लेट गई थी, मतलब उनके घर वाले सब लोग आ रखे थे। एक्चुअली उनको ना पेन जो है रात से मतलब हो रहा है, सुबह से हो रहा है, लेकिन रात में जो था वही डॉक्टर ने जो बताया था कि अगर रात में पेन बढ़े तो आप नहीं लेके आएगा, तो रात में ना उनका लेबर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब जो है हम फाइनली उनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, एंड भाभी के घर से ना सब लोग आ गए थे, भाभी की मम्मी अम्मी तो ये कार भी आ चुकी है, इसी कार में अभी ये जाएंगी। तो चलो भाभी चलती, हम भी चलते, और हमारी यानी दीदी भी हमारे साथ जाग रही है, यानी हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। और हाँ, इस ब्लॉग में एक चीज़ की और अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, हमारी यानी दीदी भी प्रेग्नेंट है हमारे घर में, और अभी छोटे छोटे पपीज वपीज़ भी आने वाले हैं। अब ये वाला सरप्राइज गिफ्ट आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, बट हाँ ये भी है, हमारी यानी दीदी भी प्रेग्नेंट है, मेरे को अब 100% श्योर लग रहा है कुछ दिनों में खूब सारे पपीज होंगे हमारे पास। यार फिलहाल अभी भाभी कार में बैठ चुकी हैं, और बाकी जो जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो सब कार में बैठते हैं जल्दी से और निकलते हैं यार यहाँ से हॉस्पिटल के लिए। हम सब लोग बैठ के बस प्रेयर ही कर रहे थे कि कुछ देर में डॉक्टर भी आ गई जो कि डिलीवरी करेंगी, एंड थोड़ी देर बाद मामा जी भी घर से आ गए देखने के लिए यहाँ पे। कौन सा अच्छा यार यहाँ पे जो एसी में लेटा हुआ है सुबह के 4 बजे, भाई यहाँ पे तापमान 19 डिग्री चल रहा है, ठंड लग रही है, ना जाने कौन ये सबसे जो एसी में लेटा हुआ है, मेरी खपड़ी पे चल रही है एसी।
चार नौ पैंतालीस एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी बर्थ हुई थी ना तब मैं भी यहाँ से निकल गया था, और आज ये भी जो भी है पता नहीं बॉय है या गर्ल है, जो भी होगा भाई साहब, ये जो इस समय फीलिंग आती है ना सच में, इसे आप लोग फील करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा क्या होती है। आवाज़ वगैरह आ रही है रोने की। बस भाई आने वाला है और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखो आवाज़ यहीं कहीं है, बस यहीं कहीं बस आ ही रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे घर में छोटी ब्लॉगर साहिबा या ब्लॉगर साहब आ रहे हैं जो हमारी इस ब्लॉगिंग को आगे तक चलाएंगे। ये चेक करें भाई साहब, बाबा जी भी आ गए हैं, हमारे मामा जी बाबा जी बन गए आज, और मामी दादी बन गई। वाह, मामी दादी बन गई आज, कैसा लग रहा है बताओ भाई साहब? बूढ़े हो रहे लोग दादी बन गए, सब यंग यंग थे बताओ, दादी का टक लग गया, मामी भी आ गए। ये मामा है, मामा जी आपको कैसा लग रहा है? आप मामा बन गए, और आप बताइए आप तो पापा जी बन गए, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया बताओ, पापा जी बन गए हमारे पास, बल्ले बल्ले। 4:06 जय श्री राम। 4:06 तो भाई यहाँ पे अभी सागर दादा को बताया जा रहा है, सागर दादा तो अपनी ड्यूटी पे है बट उन्हें बताया जा रहा है, वो भी रात भर से जगी रहे थे, तो फाइनली पता चल गया है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अभी तक देखा नहीं, अभी मैम निकल के गई थी, उन्होंने दिखाया नहीं है, तो अभी देखो तो शायद निकलने वाला होगा, अब देखने को मिलेगा। आ गया भाई, गेट खुल जा भैया, साइन करो जाके आ जाओ मामा। हाँ भाई अभी निकल गया है, बिल्कुल हाथ देखो सफ़ेद है इसके यार, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार। अभी शायद आप लोग इसके फेस नहीं देख पा रहे हैं, वो ब्लर कर रखा है, वो बाद में आपको देखने को मिलेगा, बट कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार। ठीक हो? तो यार फाइनली यहाँ पे सब कुछ फिक्स हो गया है, रूम वूम में बैठा लिया है, बाकी यार मामा निकल चुके हैं घर के लिए, तो मामा को एक बार घर छोड़ देते हैं चमचे। बस फाइनली घर पहुँच गए हैं मामा को लेकर, यहाँ पे खुशी का माहौल है, फुल पावर खुशी का माहौल है यार यहाँ पे। मेरे को लग रहा है गुनगुन दीदी सो रही है, एक्चुअली मैं गुनगुन को छोड़ के गया था सोता हुआ, देखते हैं सो रही होगी, वो तो भैंसों की तरह पड़ी है, यहीं सो रही थी, यहाँ पर तो है नहीं भाई, कहाँ है गुन्नू इधर बात सुनो, तुम जो है बुआ बन गई सो रही है, देखो गलहन तरह यहाँ पे पड़ी, एक अलग ही लेवल की खुशी है। गुनगुन भाई गुस्सा, और तुम लोगों ने हमें बताया ही नहीं, रोल लगी कह रही तुम लोगों ने जगाया नहीं हमको, तो फिलहाल अभी छोटी भाभी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो इनको जो है दिखवा लाते हैं चल के यार। तो यार फिलहाल छोटी भाभी और गुनगुन दीदी को हम ले आए हैं दिखाने के लिए, और हम यही करते रहेंगे जब तक भाभी आ रहेंगी ना, सबको लेके आएंगे लेके जाएंगे। और बढ़िया है आपको भी अभी छोटी भाभी को छोड़ा है, एंड अभी डॉक्टर ने बोला है कि जो भाभी हैं, भाभी को सबसे पहले पिलानी है चाय और बिस्किट, उसके बाद ही वो बेबी को फीड करेंगी, तो सबसे पहले जल्दी से घर चलते हैं, चाय बनवा के लाते हैं और भाभी के लिए। ऐसे ज़्यादा वो ना बहुत ही ज़्यादा पेन में, एक्चुअली उनकी ना ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मली डिलीवरी वैसे भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी, आजकल के ज़माने में लोग तैयारी नहीं होते नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेन होता है भाई, लेबर पेन ये जो होता है, बट भाभी ने हमारी लेबर पेन ये सहा एंड नॉर्मली डिलीवरी करी है, तो भाई क्या ही बोले, मतलब औरतें क्या क्या सहती हैं मैं क्या ही बताऊँ यार, तुम लोगों को खुद ही पता होगा। फाइनली यहाँ पे चाय बन गई, अब की बार जा रही मम्मी घर से, मतलब सब लोग जा रहे हैं, मामा माँ देख रहे हैं, नानी तो जा नहीं पाएंगे कहीं, नाना तो वैसे भी नहीं कहीं जाते हैं, तो अभी मम्मी जा रही है अंकुर भैया के साथ, हम अपना काला सांड निकालते हैं, हम इस पे चलते हैं। मैं तो जा ही रहा हूँ हॉस्पिटल, वो चाय लेके, चाय मम्मी आगे लेके जा रही हूँ, और पीछे आपको दो लोग आते हुए दिख रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं वो भी सब देखने आ रहे हैं, मतलब एक अलग ही खुशी का माहौल रखा यार, अलग ही लेवल का। और बस पता है एनी भी प्रेगनेंट है, तो एनी के भी मतलब बेबी होने वाले हैं, तो मतलब बताओ
दो दो खुशखबरी भाई साहब, अभी एनी के भी पफीज अफीज हो गए यार। ओ भाई मैं इतना ज्यादा खुश होना भी तुम लोगों को बता नहीं सकता लिटरली भाई साहब। एंड चेक दिस आउट, यहाँ पे कितने सारे कुत्ते हैं। हेलो गाइस, हम चाचा बन गए गाइस, हम चाचा बन गए गाइस, हम चाचा बन गए गाइस। बाकी यार फिलहाल टाइम होने जा रहा है 5:30 एंड मैं ना बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, सबको लेके आ रहा हूँ, कहीं किसी को छोड़ने जा रहा हूँ, तो व्लॉग एंड करने का टाइम है नहीं, इसीलिए जल्दी सेंड करते हैं। याद आया तो इस व्लॉग पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अब नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि डेली व्लॉग सीरीज यहाँ से कंटिन्यू हो चुकी है। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर में मैं सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जो हमारे घर में बेबी आया ना, उसको इतनी सारी विशेज और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है ना आप लोगों की। तो बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। एंड बाकी डेली व्लॉग सीरीज कंटिन्यू हो चुकी है, इस व्लॉग के बाद अब आपको कुछ दिन तक हमारे चैनल पे डेली व्लॉग सीखेंगे। सो तैयार हो जाओ सभी लोग, अब इस चैनल पे फिर से तबाही मचेगी। डेली व्लॉग सीरीज चालू हो चुकी है इस व्लॉग से, ठीक है।